वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। तो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है और ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे। दोस्तों, इसकी पिछली क्लास में भी जो हमने पढ़ा था उसे उस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल, उसमें आप टांडे सर टेक्निकल क्लासेस में प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कंटिन्यू जो है वीडियो प्रोवाइड होते रहे। जितने स्टूडेंट लाइव है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे भेजिए, ताकि हमारे व्यूवर्स बढ़ जाएं और ऐसे ही आपको वीडियो आगे प्रोवाइड होते रहें। ठीक है स्टूडेंट, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफार्मर में जो होने वाले ईएमएफ इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या कहता है, या ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन है, ईएमएफ इक्वेशन में देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, थोड़ा मैं वहां पर लेकर चलूंगा आपको। तो ट्रांसफार्मर ये है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अटैच है। तो यहाँ पर आपको देखने ये मिलेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बिल्डअप होने लगता है। अर्थात कि यदि इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो प्राइमरी में जो आप सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, उसमें फ्लक्स ग्रंथन के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात ईएमएफ का इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो ये जो ईएमएफ का इक्वेशन होगा दोस्तों, इसी इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली एसी सर्किट में ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। तो एसी सर्किट में जब हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं दोस्तों, तो एसी में होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं इस ट्रांसफार्मर में होंगे। अर्थात कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से फीड किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर फ्लक्स सेटअप, मैग्नेटिक जो फ्लक्स सेटअप होता है, उसके कारण इसी के कोर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, अर्थात कि उसके पास में रखी हुई जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में अपने आप म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। यह प्रोसेस ट्रांसफार्मर के फैराडेस लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर, सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, यही जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, इसी वोल्टेज को हम देखेंगे इक्वेशन के रूप में। तो कौन सा ईएमएफ इक्वेशन यहाँ पर उत्पन्न होगा, अर्थात कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, और इस ईएमएफ के द्वारा हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे उसे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, अर्थात कि ईएमएफ इक्वेशन आप ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इक्वेशन होगा दोस्तों, ई1 एंड ई2 इसमें लिखा होगा। तो ई1 और ई2 का मतलब क्या होगा दोस्तों? ई1 का मतलब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों, ये ई1 कहलाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न वोल्टेज होगा वो होगा ई2। इस ई2 को हम दूसरे शब्दों में V2 भी कह सकते हैं, और ई1 को V1 भी कह सकते हैं दोस्तों। या तो V1 कहिए या ई1 कहिए, तो इसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। या V1 कह सकते हैं या E1 भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये उत्पन्न इंड्यूस्ड वोल्टेज है, अर्थात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। N1 एंड N2 जो डिनोट करता है, ये करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। N1 प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न को डिपेंड कर मतलब कि डिनोट करेगा, और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को डिपेंड करेगा। अर्थात कि प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या को डिनोट करता है। एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट सप्लाई में जितना हम जितनी सप्लाई देते हैं और उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी होती है,
अर्थात कि ये ट्रांसफार्मर में जितनी प्राइमरी साइड में फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी साइड में भी होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या सेकेंडरी में जो भी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो समान मिलेगी, या इसे ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ट्रांसफार्मर में पावर और सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी ये कभी चेंज नहीं होती स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी आपको कांस्टेंट मिलेगी, पावर कभी चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर में और फ्रीक्वेंसी भी कभी चेंज नहीं होती। इसे एग्जांपल के तौर पर हम आगे फिर समझाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है फाइम। फाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर। जैसे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, या दूसरे इसको कहते हैं साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड भी इसकी इकाई है। फाइम मैक्सिमम फ्लक्स है, अधिकतम फ्लक्स। इसे इसकी जो इकाई होती है वो वेबर होती है। ए ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, अर्थात कि कोर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसे डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर से दोस्तों, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होगा इसलिए ये मीटर स्क्वायर से हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? उसके बाद है बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि अधिकतम फ्लक्स घनत्व। तो ट्रांसफार्मर के कोर में जो अधिकतम फ्लक्स घनत्व होगा, ट्रांसफार्मर के कोर में दोस्तों याद रखिएगा, ये ट्रांसफार्मर के जो कोर में अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है उसी की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे कैसे मापते हैं? तो इसकी इकाई होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? इसके बाद नेक्स्ट है इसका फार्मूला कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का जो फार्मूला होगा दोस्तों, यह फार्मूला होगा बी मैक्सिमम इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, या इसे शॉर्टकट में इस टाइप से लिखा जाता है बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, फ्लक्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड फ्लक्स फाई अपॉन एरिया। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में। यदि आप बी एच कर्व पढ़े होंगे, बी एच कर्व यदि आपने एसी सर्किट में पढ़ा है, तो बी एच कर्व में यह फार्मूला अप्लाई किया जाता है बी इज इक्वल टू फाई अपान ए। इसी को बी को जब हम थोड़ा सा फुल फ्लेस में लिखते हैं तो बी मैक्सिमम लिखते हैं, तो बी मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फाई एम अपान ए, अर्थात कि फाई एम इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बराबर हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स मतलब अधिकतम फ्लक्स अपान क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। तो एरिया कोर का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो उसके अपान में हो जाएगा। यदि इसको जब तीरे गुणा करेंगे तो इस तरीके से फार्मूला इसे आप बना सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि फाई मैक्स मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप उसको तिर्य गुणा करेंगे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो एरिया है ए है अपान में है, ये इस साइड चला जाएगा, तो बी मैक्सिमम से यहाँ पर इनटू में हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा बी मैक्स इज इक्वल टू बी मैक्सिमम इनटू ए। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है सभी को? आगे जब इसमें देखेंगे तो फॉर्म फैक्टर भी निकाल जाता है एसी में, हमें मालूम है, आप सभी को भी पता है फॉर्म फैक्टर हमने पढ़ाया है। तो एसी में फॉर्म फैक्टर भी होता है, अर्थात कि इसके ईएमएफ इक्वेशन में भी फॉर्म फैक्टर होगा। तो ये जो फॉर्म फैक्टर है दोस्तों, इस फॉर्म फैक्टर को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो एफएफ को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है इसे, और डिनोट किया जाता है केएफ से। इसे कैसे डिनोट करेंगे? केएफ से। तो केएफ इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है रूट मैन स्क्वायर, रूट मैन स्क्वायर, वर्ग माध्यमूल मान जिसे कहते हैं स्टूडेंट, और अपान में हो जाएगा एवरेज वैल्यू औसत मान। तो एसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। आई होप आपको याद आ रहा होगा सभी स्टूडेंट को, जिनने एसी सर्किट पढ़ा है, जिनने भी एसी सर्किट पढ़ा है, ये इक्वेशन आपको फॉर्म फैक्टर का याद आ रहा होगा। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1.11। तो इसमें केएफ का मान कितना हो जाएगा? 1.11 हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा, यदि हमें यहीं से इसी फार्मूले से आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो हम किस तरीके से इसको तिर्य गुणा करके मान निकाल सकते हैं, तो इसी फार्मूले से हम आरएमएस वैल्यू का फार्मूला बना सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के एफ इंटू, मतलब कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल इज इंटू एवरेज वैल्यू, तो के एफ इंटू एवरेज वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है कि सभी को? इसके बाद है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, तो प्रति टर्न जो एवरेज जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें वो कितना होगा दोस्तों, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट होगा और इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है सभी को स्टूडेंट? तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न मतलब प्रत्येक टर्न में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, उसका फार्मूला ये है डी फाई अपॉन डी टी, और इसकी इकाई जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये हो जाएगा वोल्ट में। इकाई क्या होगी इसकी, वोल्ट में। यदि इसको तिर्य गुणा करें तो इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा d phi is equal to d phi m minus 0, तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये हो जाएगा d phi, और d phi is equal to क्या हो जाएगा phi m, और phi m क्या है मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ पर इसको इस ग्राफिकल रूप से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों, आई होप आपको भी क्लियर आ जाएगा। ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में यदि हम समझे तो किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए क्लियर करते हैं इसे। ये d phi is equal to phi m कैसे हुआ, इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को क्लियर करेंगे। देखिए एसी में साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है, एसी में साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव की और हाफ साइकिल निगेटिव की होती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ये उसका हो जाएगा मैक्सिमम करंट, अर्थात ये जो मान हो जाएगा जो एसी जब उत्पन्न होगी तो ये फाई एम कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्लक्स देखने मिलेगा, साइनसोइडल की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे कह सकते हैं, यहाँ पर ये वीएम का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट, यदि साइनसोइडल वेव खींचेंगे हम तो ये मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा या मैक्सिमम करंट, करंट की वेव शिफ्ट होगी तो मैक्सिमम करंट होगी, वोल्टेज की वेव शिफ्ट होगी तो मैक्सिमम वोल्टेज होगी। स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा जीरो, तो ये जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैक्सिमम जो वोल्टेज है वहां पर, मैक्सिमम वोल्टेज कब उत्पन्न होगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी। क्लियर है सभी को? जब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी तब ही मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न होगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री बनता है, देखो यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री, इसके बाद हाफ 90 डिग्री मतलब कि 90 प्लस 90 इज कॉल्ड 180 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो 90 अंश का कोण कब बनेगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर 90 एंगल बनेगा, तो इसे क्या कह सकते हैं, पाई बाई टू कह सकते हैं। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाई टू मतलब पाई का मान होता है 180, बाई टू करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, यही इसी को क्लियर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी 90 हुआ, सेकेंड ये भी हाफ पार्ट है उतना ही बराबर 90 हुआ, मतलब इसका 90 पार्ट 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव का हो गया, तो पॉजिटिव का ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 180 डिग्री हो गया दोस्तों। अब ये इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा नेगेटिव का, और इसका भी 90 डिग्री होगा, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर 1/4π क्यों लिखा गया है, क्योंकि चार पार्ट हो गए, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया स्टूडेंट, तो ये चार पार्ट होने के कारण यहाँ पर इसे डिनोट करेंगे। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये है पाई बाई फोर, 1/4f लिखा जाएगा, क्योंकि चार पार्ट होगा इसलिए 4f लिखा जाएगा, इस बीट को समझ रहे हैं। तो डी फाई अपॉन डी टी को हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है, तो डी फाई अपॉन डी टी ये फार्मूला है, इसी को इसके वेव शेप से हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो डी टी का जो मान निकलेगा, टाइम पीरियड जो निकलेगा, टी इज कॉल्ड यहाँ पर क्या है, ये टाइम पीरियड है, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड को 90 डिग्री में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें चार पार्ट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई फोर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पर इसको एक पार्ट को यदि हम देखें तो ये एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार खाने हैं तो 1/4f हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा dt का मान t/4। अब एक पार्ट का देखे तो 1/4f हो जाएगा, तो 1/4 लिखना पड़ेगा, चार पार्ट है तो एक खाना 1/4 हो जाएगा, दूसरा खाना 2/4 हो जाएगा, तीसरा खाना 3/4 हो जाएगा, और चौथा खाना 4/4 हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? यह है एवरेज वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। अब एवरेज वैल्यू जो है औसत मान, ईएमएफ का औसत मान प्रति टर्न निकालेंगे, तो ईएमएफ का जो औसत मान प्रति टर्न होगा दोस्तों, उसको इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो एवरेज वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, तो प्रति टर्न में जो एवरेज वैल्यू होगी वो किस टाइप से होगी दोस्तों, इसको देखें हम, तो यहाँ पर 5m/1/4f जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे, तो ये जो 5m है, ये 5m मैक्सिमम फ्लक्स होगा अपान 1/4f। तो 1/4f कहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मान है, मतलब कि 0 से 90 डिग्री तक जाने तक का मान है, इतने आधे खाने का मान है दोस्तों, पॉजिटिव साइकिल के आधे खाने का मान है, ये भी पॉजिटिव का आधा खाना है, ये पॉजिटिव साइकिल का आधा खाना है, तो ये इसका मान कितना है दोस्तों, 1/4f। इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, 5m/ क्या हो जाएगा, 4f, तो ये निकल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 5m/4f हो जाएगा। क्लियर है? एफ इसलिए फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। आरएमएस वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। अब हम आरएमएस मान में निकालेंगे, एसी में एवरेज, आरएमएस मान, ये सब निकालना पड़ेगा। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, इसमें हो जाएगा 1.11 * एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या है, के एफ मतलब फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू, ये इसका फार्मूला है, तो इसमें मान रखेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 1.11 * 4f * 5m, ये वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर यदि हम मान को कैलकुलेशन करते हैं, तो के एफ का मान 1.11 हो गया, और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा, इसका एवरेज वैल्यू का मान कितना निकाले हमने, तो एवरेज वैल्यू का मान निकालें दोस्तों, ये एवरेज वैल्यू का मान यहाँ पर हमने लिख दिया 5m/4f। क्लियर है दोस्तों सभी को? आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम ईएमएफ जो इक्वेशन है, ईएमएफ इक्वेशन, इस ईएमएफ इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो 1.11 कहाँ से आता है, 4 से गुणा होगा, इस 4 से इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4.445m/f, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, और यही वैल्यू हमें ईएमएफ इक्वेशन में देखने मिलती है, यही वैल्यू ईएमएफ इक्वेशन में देखने मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे यही ईएमएफ इक्वेशन क्या बन जाता है। तो प्रत्येक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें भी होते हैं, फेरे सेकेंडरी में भी होते, प्राइमरी में होते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग ही हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर ईएमएफ जो इक्वेशन होगा, तो ईएमएफ इन N1 टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, N1 इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न, इसी को N1 से शो किया जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा, उस ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, तो दोस्तों E1 इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज या प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ। 4.44 कहाँ से आया, 1.11 से गुणा करके 4 का आया। 5m इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स, f इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और N1 इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला बन गया प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का, यही ईएमएफ इक्वेशन है दोस्तों। तो यहां पर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.44 बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एरिया क्या हो जाएगा, जो कोर का जो एरिया है वो कोर का एरिया हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा इसमें, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी। N1 इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन
प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग्स। क्लियर है दोस्तों, ये प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। ईएमएफ अब देखेंगे सेम इक्वेशन सेकेंडरी वाइंडिंग का भी बनेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न लपेट गए उसी को हमने N2 से देखा है, डिनोट किया है इसमें, इक्वेशन देखे हमने उसमें। तो E2 इज इक्वल टू 4.445 mF × N2 वोल्ट हो जाएगा। तो E2 जो है इसका फार्मूला बनेगा 4.44 B मैक्सिमम, अर्थात की फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एरिया A से डिनोट करेंगे, F इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और N2 इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होगी वो N2 को डिनोट करेगी। अब चलिए दोस्तों इक्वेशन इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन को हम अब भाग देंगे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या बनेगा, चलिए क्लियर करते हैं इसको हम। क्या इक्वेशन बनेगा, ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। अब ईएमएफ प्रति टर्न हो गया, प्रत्येक टर्न में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, E1 अपान N1 4.445 mF, क्योंकि इसका जब फार्मूला जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर निकलेगा ये है ये 5 m अपान ये हो जाएगा 4.44 × F। तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम दोस्तों तो यहां पर इतना मान निकल जाएगा। क्लियर है सभी को, तो इसका मान कितना निकलता है, E1 अपान N1 मतलब कि ये हो जाएगा EMF और ये हो गया अपान में नंबर ऑफ टर्न। इसीलिए ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा, तो मान निकल जाएगा 4.445 m। अब देखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये तो प्राइमरी वाइंडिंग में प्रति टर्न EMF कितना उत्पन्न हुआ, वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति टर्न ईएमएफ कितना हुआ ये भी देखेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा E2 अपान N2 और E2 अपान N2 में भी यही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि दोनों में सेम इक्वेशन बन रहे थे, तो 4.445 m × F इसमें इक्वेशन भी सेम बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम अपान में कर दें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया स्टूडेंट, तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे तो इसको भाग देंगे इन दोनों में, जब भाग देंगे इन दोनों में तो ये इक्वेशन इस टाइप से बनेगा। भाग देने पर जब हम भाग देंगे दोस्तों तो E1 अपान N1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके E2 अपान N2 के, और ये जो इसका मान है 4.445 mF इन दोनों में ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो ये भी बराबर होगा, और ये दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो ये के क्या है दोस्तों, के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहां पर के क्या हो जाएगा, के का मान बन जाएगा 4.445 m × F। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखेंगे, चलिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, V2 अपान V1 ये एक ब्लॉक हो गया, इसी के बराबर में हो जाएगा N2 अपान N1, इसी के बराबर में हो जाएगा E2 अपान E1 और ये सब K बराबर होगा। K इट्स वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K क्या है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ पर हम E2 अपान E1 की जगह V2 अपान V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही होता है। डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो V2 अपान V1 या E2 अपान E1 लिखने का मतलब एक ही है। चलिए अब इसमें कैसे इसको वोल्टेज कैसे बिल्डअप होता है ये देखेंगे। चलिए
यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बिल्डअप किया जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हमने 40 वोल्ट अप्लाई किया है, 40 वोल्ट। ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसके कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 40 वोल्ट जब देंगे इसको तो इसमें 4 टर्न लपेटे गए, मतलब नंबर आप फेरे कितने हैं, 4 फेरे हैं। 4 फेरे में प्रत्येक में 10-10 वोल्ट उत्पन्न, मतलब कि 10-10 वोल्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 10 × 40। तो यहाँ पर 10 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। मतलब प्रत्येक टर्न में 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। ये टर्न फर्स्ट है, दूसरा टर्न सेकेंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्न, 4 टर्न में 10-10 वोल्ट डिवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा, तो ये फ्लक्स हो जाएगा, इस कोर में फ्लो होगी फ्लक्स, ये फ्लक्स इस कोर में फ्लो होगी। जो कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, सिलिकॉन स्टील की होती है, सभी को याद रहना चाहिए, सिलिकॉन स्टील। और ये कोर लेमिनेटेड होती है, लेमिनेटेड होती है, क्लियर है सभी को, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर होती है। अब इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न सिर्फ 2 है, 2 टर्न है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, टर्न फर्स्ट और टर्न सेकेंड सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो प्रत्येक टर्न 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर कितने टर्न है, 2, तो वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट। अर्थात की सेकेंडरी में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो कितना होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होगा 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट उत्पन्न होगा। अर्थात यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर, फेरों पर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज, यहाँ पर फेरों पर डिपेंड कर रहा है। तो जितने टर्न होंगे, जितने फेरे होंगे, उस तरीके से, उस हिसाब से वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मेशन रेशियो के है, के का मान किस पर डिपेंड करेगा, कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज ज्यादा दे और वोल्टेज कम दे, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा के इस ग्रेटर देन, मतलब कि के का मान ज्यादा होगा यदि 1 से, तो यह ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे कहते हैं आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्लियर है सभी को, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जब के का मान लेस देन 1 हो, मतलब कि के का मान कम हो और 1 का मान ज्यादा हो, 1 का मान ज्यादा हो, के का मान 1 से यदि कम होगा, तब यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जिसे कहेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर या परिणामित्र, मीनिंग क्या होती है, परिणामित्र। तो ऊंचाई परिणामित्र और अपचाई परिणामित्र, ये 2 परिणामित्र होते हैं, 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये एक ट्रांसफार्मेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, इस के पर डिपेंड करेगा कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, क्लियर है सभी को। तो ये जो बेसिक मैंने क्लियर आपको फंडा बताया, इसको क्लियर सभी को हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करता है। चलिए करेंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो के बाद देखेंगे, करेंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो। तो करेंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो में यदि देखें, मतलब कि ट्रांसफार्मेशन रेशियो यदि देखेंगे, तो आपको यहां पर एक चीज ये समझ में आएगा दोस्तों, कि ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मतलब कि के के मान का कितना महत्व है करेंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ये जो ट्रांसफार्मेशन होता है रेशियो, इसमें के का मान ही प्रयुक्त किया जाता है। चलिए क्लियर करते हैं, के का मान यदि देखें यहां पर, तो किस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। करेंट ट्रांसफार्मेशन रेशियो में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। कैसा होता है ये आइडियल ट्रांसफार्मर? आइडियल ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड आदर्श ट्रांसफार्मर। और जितने भी आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें लॉसेस नहीं होते, इसे क्या कहेंगे हम, आदर्श ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर के होगा, मतलब जितना इनपुट पावर देंगे उतना ही आउटपुट पावर आपको प्राप्त होगा।
तो जब इनपुट पावर देंगे तो पी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पी इक्वल वी इंटू आई होता है। यदि ये प्राइमरी साइड में है तो पी वन हो जाएगा और वोल्टेज वी वन हो जाएगा और करेंट उसमें फ्लो होगी आई वन, तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगी, अर्थात कि इनपुट पावर प्राइमरी साइड में कितना हो जाएगा, वी वन इंटू आई वन हो जाएगा दोस्तों इस पावर वाले फार्मूले से। और आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, यदि आउटपुट पावर देखें तो यही फार्मूले से पी टू इक्वल क्या हो जाएगा, वी टू इंटू आई टू। तो यहां पर पी वन और पी टू को हटा दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं वी टू इंटू आई टू। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए, मतलब कि करेंट के मान के लिए करेंट का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखें तो इसको इस फार्मूले से इस टाइप से लिखा जाता है, तो वी टू अपान वी वन इक्वल आई वन अपान आई टू इज इक्वल टू के, अर्थात कि यहां पर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करेंट वाली बात हो गई, तो यहां पर वी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। वैसे ही यहां पर हम यदि मान को देखते हैं दोस्तों, तो मान को देखने पर हमें यह समझ में आएगा कि वी टू अपान वी वन मतलब कि वी टू प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, ये दोनों अपान में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अपान प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू आई वन अपान आई टू, ये के बराबर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मेरे बताने का रीजन, समझाने का रीजन ये है दोस्तों, हम आपको इस तरीके से इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको यहाँ पर डाउट ना हो। डाउट किसमें होगा कि ये है वी टू अपान वी वन और यहाँ पर करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में देखेंगे।